हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बद्दे बजा रैपिड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक आईपीओ की ओपनिंग 22 अगस्त थर्सडे को हो चुकी है। 27 अगस्त ट्यूजडे को इसकी क्लोजिंग है। दो दिन समय बच रहे हैं, मंडे और ट्यूजडे। क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अप्लाई करनी है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करनी है। इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकती है, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को कितना बेनिफिट दे रही है, इसकी बिजनेस मॉडल क्या, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा, इन सारे टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हम लोग इस आईपीओ के इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। ये आईपीओ 22 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त तक ओपन रहेगा। इसका फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर, प्राइस पॉइंट 84 रुपए पर शेयर, लॉट साइज 1600 शेयरों की है, टोटल इशू साइज 8.49 करोड़ की है, फेस इशू 8.49 करोड़ की है। इस ए आईपीओ फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ है। इसकी लिस्टिंग बीएससी एसएमई मर्ज प्लेटफॉर्म को होगी और ए आईपीओ फ्राइडे 30 अगस्त को लिस्ट होगा। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में 47% का कोटा रिजर्व है एंड अदर्स के लिए भी 47.47% का रिजर्वेशन है। मार्केट मेकर के लिए 5.6% का रिजर्वेशन है। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,34,400 रुपए है। एचएनए कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,68,800 रुपए है। बात करें इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के, 22 में 95.43 लाख के प्रॉफिट पर था जो 24 में बढ़कर के 179.23 लाख हो चुकी है। ठीक ठाक ही ग्रोथ है। रेवन्यू 47.74 लाख से बढ़कर के 71.25 लाख पहुंच चुकी है। एसेट 673.51 लाख से बढ़कर के 839.76 लाख पहुंच चुकी है। नेटवर्थ 100.11 लाख से बढ़कर के 473.55 लाख पहुंच चुकी है। रिजर्व एंड सरप्लस 95.11 लाख से बढ़कर के 151.55 लाख पहुंच चुकी है। उधारी 357.59 लाख से घटा और घट करके 201.7 लाख पर पहुंच चुकी है। फाइनेंशियल ग्रोथ ठीक ठाक ही। अगर मुझे रेटिंग देना हो तो मैं इसमें 10 में से 6 रेटिंग देना चाहूंगी। रिटर्न ऑफ इक्विटी 46.42% है। आरओसी 48.98% है। डेट टू इक्विटी 0.19 है। रिटर्न ऑफ नेटवर्क 38.1% है। पैट मार्जिन 2.5 है। पीई प्री आईपीओ 13.12 है। पोस्ट आईपीओ 17.86 है। फाइनेंशियल इसकी स्थिति ठीक ठाक है। बात करें इसके बिजनेस की तो जुलाई 2020 के इनक्रोप्टेड रैपिड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक लिमिटेड चेन्नई बेस्ड कंपनी है जो वन स्टॉप लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रदान करती है। B2B सेगमेंट को पूरा करती है। सिंगल और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रदान करती है जिसमें रोड मार्ग, रेल सड़क मार्ग, रेल मार्ग एंड समुद्री मार्ग की सर्विस प्रदान, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रदान करते हैं। एंड यह शिपमेंट रिक्वायरमेंट में जैसे प्लानिंग, रूट ऑप्टिमाइजेशन, सिलेक्टिंग करियर डॉक्यूमेंटेशन, ट्रैकिंग, कम्युनिकेशन, लास्ट माइल डिलीवरी, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, ये सारा कुछ इसके अंतर्गत ही आता है और ये सारी सर्विस प्रदान करती है अपने क्लाइंट को। यह मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर सबको सर्विस प्रदान करती है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रदान करती है जिसमें रोड मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग एंड समुद्री मार्ग तीनों शामिल है। और यह ग्लास, प्लाईवुड, पेपर, एडिबल ऑयल, जिप्सम बोर्ड्स, आयरन एंड स्टील, स्क्रैप, टाइल्स, सैनिटरी एंड लिकर इंडस्ट्रियल से इसके पास क्लाइंट आते हैं। तो इसका बिजनेस बहुत ही बेहतरीन दिख रही है। क्लाइंट बेस भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है। स्टील, स्क्रैप, टाइल्स, सैनिटरी, लिकर, पेपर, एडिबल ऑयल, प्लाईवुड, ग्लास सेगमेंट से इसके पास, इन सारी इंडस्ट्री से इसके पास व्यापारी आते हैं, मैन्युफैक्चरर आते हैं। तो बिजनेस बहुत ही बेहतरीन है। अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो तैयार माल होते हैं या फिर कच्चा माल होता है उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन की भी सर्विस प्रदान करते हैं एंड सिंगल ट्रांसपोर्टेशन की भी सर्विस प्रदान करती है। तो बिजनेस बहुत ही बेहतरीन दिख रही है। बहुत सुंदर बिजनेस है। इसके पास 17 इंप्लॉय हैं। फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छा है। बिजनेस बहुत अच्छा है। दो दिन में आईपीओ 11.50 गुना सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल कैटेगरी में 18.56 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर कैटेगरी में 4.44 गुना, टोटल 11.50 गुना का सब्सक्रिप्शन हुआ है। इसका मुख्य कंपटीटर श्री वासु लॉजिस्टिक लिमिटेड एंड चार्टर रेड लॉजिस्टिक लिमिटेड है। और इन सब में रिटर्न ऑफ नेटवर्थ के मामले में
नंबर वन पर रैपिड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक लिमिटेड आती है, जिसकी रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 38.1% है, तो अपने फील्ड में अपने कंपटीटर से बेस्ट है, नंबर वन पर है, तो बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल स्थिति इसकी ठीक ठाक दिख रही है एंड सब्सक्रिप्शन की डेट टू को बहुत अच्छा हो चुका है। बात करें इसकी जीएमपी की, जीएमपी अभी तक ओपन नहीं हुआ है, भले जीएमपी ओपन नहीं हुआ लेकिन इसकी बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल स्थिति ठीक है, सब्सक्रिप्शन भी ठीक ठाक हो चुका है, तो इसमें एक अच्छा लिस्टिंग गेन मिल सकती है। अगर अच्छा लिस्टिंग गेन ना मिले, कॉस्ट टू कॉस्ट में भी लिस्टिंग होती है, तो फिर बाद में बहुत अच्छा रिटर्न बना करके दे सकता है, दुगुना तिगुना का भी रिटर्न बना करके दे सकता है, क्योंकि इसका बिजनेस बहुत अच्छा है। बिजनेस के दम पर कोई भी आईपीओ अच्छा रिटर्न देता है, भले ही लिस्टिंग गेन कम दे लेकिन बाद में बहुत ही बेहतरीन मुनाफा बना करके देता है। आई थिंक के सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। बाकी आपका पैसा है, कहाँ निवेश करना है, इसका डिसीजन आपका होना चाहिए। निवेश करने से पहले गहरे एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें, हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भेंट भाज ले, इसके बाद ही निवेश करने का विचार बनाए। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे, जिस समझ में आ रही है मेरे वीडियो को लाइक से जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।